तो गाइस आज सेकेंड डे है, सुबह 10 बजे निकले थे, 10:30 बजे निकले थे मंदिर के लिए, लेकिन मंदिर पे आज बहुत क्राउड है बहुत। तो हम लोगों ने अभी वो प्लान ड्रॉप करके अभी नहाने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि नहाने के बाद उसके बाद लंच करके फिर मंदिर में लाइन लूँगा। अगर मंदिर पे लाइन लूँगा तो आई होप सो कि मतलब हम लोगों ने सोचा कि ऑलमोस्ट मंदिर पे नियरली 3-4 बज जाएगा, तो उसके लिए चांस नहीं होगा। एक ही दिन है मेरा आज, तो उसके लिए अभी फिर पहले नहाऊँगा, उसके बाद रेडी होके फ्रेश होके लंच करके मंदिर पे लाइन लूँगा। एंड हियर्स और बाइक पार्क, मेरे बाइक में सिंगल हॉर्न मतलब दो हॉर्न होता है, एक हॉर्न बज नहीं रहा है और कोई इशू नहीं है, सो दिस इज द थिंग। एंड हियर द व्यू जो रात में दिखाया था, वही चीज़ बैठने का जगह है। ये एक बहुत मतलब अच्छी चीज़ है, मतलब यू कैन से कि बैल्कनी, तो इधर से आप बैठ के इजिली जो है सी व्यू कर सकते हो। एंड ये जो है उधर देखो क्राउड, एंड हियर द स्वर्गो द्वार साइड पे है, दिस इज द थिंग। सो हियर्स आवर रूम, ये जो है डबल बेड, इधर 3 लोग एडजस्ट करेंगे, लेकिन एक्स्ट्रा पर्सन का 300 रुपीज़ लेता है, और मैट्रेस अगर लोगे तो 500-600 रुपीज़ लेगा। इधर एक अलमीरा है, और ये जो विंडो हल्का सा सी व्यू आएगा, मतलब ये सी व्यू नहीं बोल सकता, लेकिन हाँ अगर मतलब एकदम मतलब टिल्ट होकर देखोगे तो आ जाएगा सी दिखेगा। और इधर है बाथरूम, ये वॉशरूम, वॉशरूम इज ऑल्सो वेरी गुड। ये जो रूम है एक्चुअली इट्स थ्री स्टार रूम, यू कैन से थ्री स्टार होटल सॉरी, एंड यू ऑल्सो गेट अ छोटा वाला फ्रिज रेफ्रिजरेटर। सो दिस इज द थिंग, टीवी है, सो हेलमेट गिर गया दीपन को, सॉरी ऑन कैमरा बोल दिया सॉरी। वो ऐसा क्यों बैठा हुआ है, क्योंकि एसी 18 में चल रहा है, हाँ एसी भी 18 में चल रहा है, सो ठंडी में फट गया है। मतलब रूम ठीक ठाक है, 2400 and 64, एक्चुअली रूम का प्राइस है 2200 प्लस GST लेके 2460 रुपीज़ पड़ रहा है। सो रूम वाइज मतलब प्राइस वाइज रूम ठीक ठाक है, क्योंकि प्राइम प्लेस पे होटल है ना इसके लिए, बट हाँ अगर एक्स्ट्रा पर्सन रहेगा तो 500 रुपीज़ एक्स्ट्रा लगेगा। सो चलो अभी नहाने के लिए जा रहा हूँ, ऑलमोस्ट 1:30 बज रहा है, ऑलमोस्ट कत बज गए 1:14, सो दैट द थिंग। चलो सो हियर वी आर, ये जो है मंदिर का पश्चिम गेट है, वेस्ट गेट आई गेस, सो जो मेन गेट से तो मतलब अंदर घुस नहीं पाए, सो इधर एक जो है यू कैन से कि मंदिर का पुजारी, मेरा यह एक भैया रहता है तो वही जुगाड़ करके दिया, तो उसके साथ अंदर गया था और दर्शन अच्छे से हो गया, 2 बार दर्शन किया महाप्रभु को। सो या एंड नाउ द थिंग इज, अभी जो है मंदिर का जो बाहर साइड ये परिक्रमा पार्ट है मंदिर का, अच्छे से एकदम पूरा डेकोरेट करके दिया है। मैं 2022 पे आया था, इतना उस टाइम पे यहाँ पर सब काम चल रहा था, बट अब जो है अब फाइनल हो गया। लाइक ये जो चीज़ है ऑलमोस्ट बनारस का जो मंदिर है उसके तरह लग रहा है, जो डिज़ाइन और जो आर्किटेक्ट ये सब। सो फाइनली एटलीस्ट अच्छे से दर्शन हुआ महाप्रभु का, इस वजह से बहुत मतलब खुश हूँ, मतलब आना भी सक्सेसफुल हुआ। सुबह में दोपहर में जो है सी में नहाया और अभी महाप्रभु का दर्शन, तो जो है हमारा जो जर्नी सक्सेसफुल हुआ। सो दिस इज़ द थिंग, उधर लिखा है परिक्रमा मार्ग, एक मिनट परिक्रमा मार्ग, ये जो है ये एक्चुअली परिक्रमा मार्ग है, पूरा मंदिर को चारों तरफ से एक मार्ग बनाया, तो दिस इज़ द थिंग। तो हियर वी आर, एंड हम लोगों का डिनर भी हो गया, और आज सेकेंड डे,
और टाइम हो रहा है लगभग 11 के ऊपर। तो अभी घर जाऊंगा और जो है होटल मतलब रूम होटल रूम एंड इधर वो लोग फोटोशूट कर रहे हैं, तो अभी घर जाऊंगा एंड जाके जो है सामान पैक करना है क्योंकि कल सुबह 7 बजे का चेकआउट टाइम है, तो 7 बजे तक रूम को छोड़ना होगा, 7 या 7:30 के आसपास। तो उसके लिए अभी 11 बज रहा है, थोड़ी देर इधर रुकता हूँ, उसके बाद घर में जाके सामान पैक करके देन नींद एंड कल जो है बाय बाय पूरी। सो हियर वी आर। सो आज 3rd day है, आज रूम छोड़ने वाला हूँ और ऑलमोस्ट 7 बजे का टाइमिंग था चेकआउट का, बट अभी लगभग 8 बज रहे, होटल से बार बार बुलावा है। सो चलो लेट्स गो एंड अभी जाके अभी दीपन जाएगा तो अग्निव का बाइक में दीपन जाएगा और जो सैडल बैग है मेरे बाइक पे अभी लगाएगा बुलुक। चलो देखता। तो यार यार अभी जो है हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए, ऑलमोस्ट 8:30 बज गए, तो इसके लिए अभी ब्रेकफास्ट करूँगा और उसके बाद दोपहर को देखता हूँ लंच किधर करना है, और लंच हो पाएगा भी नहीं किया तो चलो और इधर देखता हूँ, अगर कोई एनर्जी ड्रिंक मिलेगा तो वो भी ले लूँगा। तो चलो ब्रेकफास्ट करते हैं उसके बाद निकलते हैं, ऑलमोस्ट 9 बज जाएगा, निकलते चलो। तो हम लोगों का लगेज पैक भी हो गया, मेरी गाड़ी पे ये जो सैडल बैग है और दीपन का बैग है और उसके गाड़ी में दीपन जाएगा। सो एंड टाइम नियरली ऑलमोस्ट 9 बज गए, तो होपफुली अराउंड 9 बजे मतलब 9 PM और उससे पहले घर पहुंच जाऊंगा। सो लेट सी कितने बजे तक पहुंचता हूं। सो या इट पुलिन पूरी फ्रॉम हियर वी आर लिविंग नाउ एंड सो ऑलमोस्ट रेडी, 9 बज गए। सो अभी हम लोग निकल रहे हैं, इधर सामने जाके रुकूंगा 1 किलोमीटर दूर, मतलब जिधर से सी अलग और रास्ते अलग हो जाएगा उस पॉइंट पे। तो चलो अभी जो है ऑलमोस्ट गर्मी बहुत बढ़ गया है, 9 बज रहा है, तो आज हालत तो टाइट होने वाला है लगता है। सो चलो अभी जो हूँ, अभी हम लोग एक बार लास्ट टाइम इस ट्रिप के लिए जो है सी के पास आया और बाइक उधर है, देख लो दीपन खड़ा है उधर। तो या बहुत दिन का एक्चुअली मतलब ड्रीम था पूरी आने का खुद की बाइक से, हाँ पूरी से भी ऊपर राइड किया है, मतलब पूरी से भी जो है ज़्यादा डिस्टेंस लाइक सिक्किम किया हुआ है, बट हाँ पूरी ड्रीम था 2019 या 18 से जब मेरे पास दीक्षा था, जब बाइकिंग और बाइकिंग स्टार्ट किया था उस टाइम से, बट हाँ अभी टाइम नहीं उतना कुछ मिलता है, तो वही जो है 3 डेज का टाइम मिला था तो सोचा पूरी आ जाऊँ एंड मतलब एकदम हेक्टिक सा राइड है। एंड वन थिंग कि इससे बाद जो है अभी मार्च आ जाएगा एंड गर्मी स्टार्ट हो जाएगा, तो अभी जो है ऑलमोस्ट सितंबर तक राइड इतना पॉसिबल नहीं है। सो उसके लिए ये जो है अभी हड़बड़ी में हम लोगों ने ये जो पूरी राइड है वो कर लिया। सो चलो लास्ट टाइम के लिए जो है पूरी का समुद्र देख लेता हूँ एंड उसके बाद बाय बाय। तो हम लोगों का इधर आके फ़ोटो खींचना भी हो गया, अभी हम लोग निकल रहे हैं और प्लान है कि ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर के बाद ही रुक के, तो लेट्स सी क्या होता है कितना देर बाद रुकता हूँ, और जब आने के टाइम पे मैं एक्शन कैमरा लगाया था लेकिन उधर जो है माइक का मतलब म्यूट हो गया था माइक, तो उसके लिए वॉइस कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ। सो उधर मैं थोड़ी थोड़ी वॉइस ओवर दे दूंगा एंड म्यूज़िक भी डाल दूंगा, और क्या करूँ मतलब पूरा जो फुटेज है उधर मैं अभी मतलब जब होटल जाके देखा था उस टाइम पे पूरा म्यूट था, तो कोई वॉइस नहीं आया। अभी जो है रास्ते पे और उतना कैमरा मैं ऑन नहीं करूँगा क्योंकि जो है पहले भी मैं दिखा चुका हूँ, जिधर जिधर स्टॉप लूँगा एक बार छोटा छोटा क्लिप डाल दूँगा। सो होपफुली अराउंड रात को 8-9 बजे तक घर पहुँच जाऊँगा, सो लेट सी क्या होता है, और नियरली 12 घंटा तो लगेगा ही। सो या इस साइड देखो पूरा जो है सन्नाटा एंड
जो लोग क्राउड नहीं पसंद करता है तो इस साइड पे इधर होटल लोगे तो अच्छा होगा। नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो इस साइड मैं लाइट हाउस के साइड पे ही रहना चाहूँगा। सो लेट्स सी क्या होता है। चलो अभी निकलते हैं, ऑलमोस्ट 10 बजने वाला है। तो गाइस अभी जो हूँ ऑलमोस्ट 110 किलोमीटर के बाद रुका हूँ। अभी टाइम भी हो रहा है ऑलमोस्ट 12 बजे के आसपास। हियर आवर बाइक एंड टोल, आई डोंट नो द एक्चुअली टोल प्लाजा नेम, बट यस चलो ऑलमोस्ट 100 प्लस किलोमीटर चलाया। और अभी भी इधर हम लोग रुके थे फिल अप करने के लिए, और अग्नि का एक मतलब पोटी है था। तो दिस इज़ द थिंग, अभी ऑलमोस्ट 100 समथिंग जो है 120 किलोमीटर के आसपास चलाया, और टाइम जो हो रहा है 12:50 एंड ऑलमोस्ट 56 किलोमीटर के बाद फ्यूल ब्रेक जो लिया था उसके बाद रुका हूँ। और अभी जो है 100 किलोमीटर चलाने का उतना मतलब पावर नहीं है। तो दिस इज़ द थिंग, तो अभी बाद मतलब इसके बाद भी 50 किलोमीटर बाद रुकने का प्लान है। चलो तो अभी जो है मैं ऑलमोस्ट उस जो लोकेशन से नियरली 55 ऐसे कुछ किलोमीटर चला है। तो अभी बदन में इतना दर्द आ रहा है क्या बोलूँ। मैं रुका हुआ हूँ और अग्नि जो दीपन है थोड़ा आगे चला गया, और एक्चुअली बदन में दर्द भी आ रहा था और 5-10 किलोमीटर से नींद भी आ रहा था बहुत। तो रेड बुल ले लिया एंड मतलब 2-3 दुकान में देखा पाया नहीं, लेकिन जो ये वाला दुकान है इसमें पाया। सो रुक के अभी रेड बुल पी रहा हूँ, उसके बाद निकलूँगा। थोड़ी मतलब 5-10 मिनट का रेस भी हो गया, तो अभी देखता हूँ कितना देर एक साथ चला पाता हूँ। क्या चलो मतलब एक स्टेज में अभी भी इरादा है तो 50 किलोमीटर चलाऊँ। तो चलो गाइस अभी हम लोग रुके हैं, मतलब रुका था मतलब लंच के लिए, लंच हो गया। अग्नि भी ये लोग तो बहुत पहले आ गए थे, मैं आधा घंटा बाद आया हूँ क्योंकि मैं एक बार रुका था रेड बुल पीने के लिए। वो लोग ने एकदम डायरेक्ट 120 किलोमीटर किए और मैंने 60 किलोमीटर के बाद रुका था रेड बुल के लिए। नियरली 1000 किलोमीटर राइड कर रहा हूँ, तो इसके लिए मतलब जब सिक्किम के बाद तो एकदम ही राइड छोड़ दिया था, तो उसके लिए थोड़ा सा अंदर हो रहा है। तो चलो देखते हैं। और अभी जो है 5:30 बज रहा है, तो देखता हूँ कितना देर में कोलाघाट या धूलागढ़ पहुँचता हूँ। तो चलो लेट्स सी। तो गाइस अभी मैं फरुखपुर क्रॉस करके एक किलोमीटर क्रॉस करके आया रुका, क्योंकि इसके लिए देखो हेलमेट का मतलब हेलमेट इधर इतना जो ये जो क्या फूका मालूम नहीं ये कितना था, इसके लिए रुकना पड़ा। नहीं तो मैं देख मतलब इधर लॉन्च किया था उस वहाँ से ऑलमोस्ट 100-110 किलोमीटर क्रॉस करके आया हूँ, वन स्टेज पे किया हूँ। और भाई साहब कितना भगाया मैंने गाड़ी। तो जो यही चीज़ है देखो, अभी ये हेलमेट को वॉश करना पड़ेगा और थोड़ा सा वाटर पी लूँगा, उसके बाद फिर निकलूँगा। और एक बार मैं पूछ लूँगा अग्नि किधर रहा है, शायद अग्नि पीछे है, मैं देख लेता हूँ। दिस इज़ द थिंग, एक बार मुझको ये सब क्लीन करना पड़ेगा, उसके बाद मैं निकलता हूँ यहाँ से। तो चलो तो गाइस हियर द एंडिंग पार्ट ऑफ द मींस आवर ट्रिप। अभी जो हूँ कोलाघाट से लगभग 5 किलोमीटर दूर, और टाइम हो रहा है 8। सो इसके लिए कोलाघाट में नहीं रुका मैंने, और अग्नि का गाड़ी में ऑलमोस्ट गाड़ी जो है रिजर्व में पड़ गया, और मेरा गाड़ी में भी दो बार तेल है। सो इसके लिए इधर इंडियन ऑयल पे फिल अप करना है, तो इसके लिए रुका हूँ। उसके बाद डायरेक्ट घर, क्योंकि टाइम मतलब 8 बज गए, 9 बजे तक मतलब घुसना है, क्योंकि मेरे को थोड़ा काम है अभी घर जाके। तो इसके लिए ज़्यादा मतलब स्ट्रेच खींच दिया, उधर से एकदम निकला था और डायरेक्ट इधर आके हेलमेट खुला हूँ। एक जगह खड़गपुर पे जाके रुका था, उधर जो है मच्छर या कोई इंसेक्ट जो होता है एकदम हेलमेट पे, अभी भी जो इधर है विंडशील पे है देख लो। तो उसके लिए रुका था उस टाइम पे, बट उसके बाद भी एकदम डायरेक्ट आया। बट हाँ उसके बाद जो है स्पीड मेरा थोड़ा कम था, लगभग 70-80 ऐसे करके। सो
यार द एंडिंग पार्ट ऑफ दैट पूरी व्लॉग यू कैन से आफ्टर ए लॉन्ग टाइम ऑलमोस्ट मतलब 2020 में मैंने सिक्किम किया था, उसके बाद ऐसा लॉन्ग ट्रिप मैंने किया मतलब 1000 किलोमीटर प्लस। सो होपफुली दिस ईयर एंड में अगर सब कुछ ठीक रहेगा तो और भी कुछ ट्रिप का जो है मतलब और भी मतलब ट्रिप करने का ये है प्रॉबिलिटी है सिक्किम या मतलब कोई हिल साइड पे जाऊंगा। एक्चुअली ये पूरी जो है पूरी मतलब दिसंबर से हम लोगों ने प्लान किया था, हाँ मैं अग्निव और दीपक ने, बट हो नहीं पाया था एट द एंड ऑफ द डे। तो इसके लिए अभी मैं मतलब इस टाइम पे जो है 2 दिन का छुट्टी था तो पूरी जाना ही है ऐसे करके निकल गया था। तो दिस इज़ द थिंग। चलो अभी के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, एंड अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, थैंक यू एंड सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो।